बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि राजनीति विज्ञान किस रूप में कैसे कार्य करती है, और साथ साथ ही यह भी बताया था कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत किस प्रकार से भिन्न भिन्न है। जहाँ पर राजनीति विज्ञान का जब अपन विकास की बात करते हैं, तो यह परंपरागत राजनीति विज्ञान से या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से व्यवहारवाद में, और व्यवहारवाद फिर उत्तर व्यवहारवाद में परिवर्तित होकर आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के रूप में यानी कि प्रस्तुत है। अपन जानते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल एक स्वतंत्र विषय के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि यह है एक प्रकार से अन्य विषयों से भी संबंध रखती है। जैसे अपन कि राजनीति विज्ञान के तहत अपन राज्य सरकार, शासन का स्वरूप, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राज्य की नीति किस प्रकार सी है, नौकरशाही व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय नीति, एक तुलनात्मक अध्ययन या संधि समझौते, व्यापार, इन चीज़ों को आधार मानकर तय करें। उसी प्रकार अगर हम इतिहास की बात करें, तो इतिहास राज्य, राज्यारोहण, कला, साहित्य, संस्कृति, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, युद्ध, युद्ध के कारण, युद्ध के परिणाम और संधि, दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, परंपरागत रीति रिवाज इत्यादि चीज़ों का विशेष अध्ययन करता है। अब अपन को संबंध ये निर्धारित करना है कि क्या कुछ राजनीति विज्ञान ने इतिहास को दिया है या कुछ इतिहास ने राजनीति विज्ञान को दिया है। यह कैसे निर्धारित है कि राजनीति विज्ञान के अभाव में इतिहास विशेष महत्व नहीं रखता और इतिहास के अभाव में राजनीति विज्ञान विशेष महत्व नहीं रखता। अतः ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। इसमें आपको केवल चार टॉपिक हैं। एक तो है दोनों में संबंध, राजनीति विज्ञान, पहला है संबंध, राजनीति विज्ञान और इतिहास। आपका दूसरा ये इसका वर्णन करना है कि इतिहास को राजनीति विज्ञान की देन, और फिर है आपके कि राजनीति विज्ञान को इतिहास की देन, और चौथा आपका पॉइंट बन जाएगा राजनीति विज्ञान एवं इतिहास एक दूसरे के पूरक। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में संबंध तो ये है कि जिस प्रकार से राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार, शासन का स्वरूप, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राज्य की नीति, नौकरशाही व्यवस्था इत्यादियों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से इतिहास में राज्य, राज्यारोहण, कला, साहित्य, संस्कृति, युद्ध, युद्ध के कारण, परिणाम, रीति रिवाज, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, इन चीज़ों की जानकारी प्राप्त। अब बात यह आती है कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में, यानी इतिहास को राजनीति विज्ञान की देन, यानी कि राजनीति विज्ञान ने इतिहास को क्या दिया है। या अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अभाव में इतिहास संभव नहीं है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान ने इतिहास को क्या दिया, कि इतिहास की जो भी घटनाएँ हैं, जैसे कि किसी अन्य राज्य से संपर्क, यानी कि पड़ोसी राज्य से किस प्रकार से संबंध किए जाने चाहिए, राज्य की नीतियां किस प्रकार से होनी चाहिए, श्याम दाम दंड भेद की नीति हो या किसी प्रकार से अपने हितों को पूर्ति करने की नीति हो, राजा का चयन कैसे किया जाता है, कौन सी शासन व्यवस्था होती है, न्याय व्यवस्था में कौन सबसे ज़्यादा प्रधान होता है, इन चीज़ों को इतिहास में दर्शाया अवश्य गया है, लेकिन पूर्ण रूप से यह व्यवस्थित नहीं था, यानी लिपिबद्ध रूप यानी प्रदान नहीं था। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान ने इतिहास को क्या दिया है, कि इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को विशेष तौर से एक लिपिबद्ध और क्रमबद्ध रूप प्रदान किया है। तो अपन ये सामान्य से कह सकते हैं कि इतिहास को राजनीति विज्ञान ने जिन घटनाओं का उल्लेख इतिहास की
रूप में हुआ है, उनका क्रमबद्ध अध्ययन और उसे लिपिबद्ध करके हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार से शासन व्यवस्था निर्धारित की गई है और किस प्रकार से उसका यानी कि चयन किया जाता है। इसके बाद देखिए कि राजनीति विज्ञान को इतिहास ने क्या दिया है, या अपन यह कह सकते हैं कि इतिहास ने राजनीति विज्ञान को ऐसा क्या दिया है जिसके कारण अपन राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि इतिहास की ये जो घटनाएं हैं जिसमें शासन व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, राजा के कार्य हैं, मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया था और गुप्तचर व्यवस्था इत्यादि, इन चीज़ों को आधार मानकर ही वर्तमान राजनीतिक क्रियाएँ संचालित की जाती हैं। जैसे कि राष्ट्र के प्रधान का चुनाव कैसे होगा, न्याय व्यवस्था किस प्रकार से संचालित की जाएगी, कानून व्यवस्था किस प्रकार से ली जाएगी, ये कोई राजनीति विज्ञान का पृथक से कोई खोज नहीं है, ये इतिहास की घटनाओं में दबी हुई वही बातें हैं जो राजनीति विज्ञान ने इससे प्राप्त करके एक लिपिबद्ध और क्रमबद्ध रूप प्रदान कर दिया गया है। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि इतिहास की जितनी भी घटनाएँ हैं, जैसे कि युद्ध होता हो, पड़ोसी राज्यों के साथ में क्या संबंध स्थापित किए जाते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था की जानी चाहिए, पड़ोसी राज्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत व्यवस्था का संचालन किया जाता है, पड़ोसी राज्यों से किस प्रकार से आदान प्रदान किया जाता है, इसे व्यापारिक रूप प्रदान किया जाता है, युद्ध जैसी घटनाएं यानी राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने की, ये सारी चीज़ें राजनीति विज्ञान ने इतिहास से ही ली हैं और इसी के आधार पर हम राजनीतिक क्रियाओं का पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। राजनीतिक क्रियाओं में अध्ययन करने के साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं, जैसे अपन ये मानते हैं कि राज्य में कानून बनाने वाली कोई संस्था होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था को संचालित करने वाली कोई संस्था होनी चाहिए, उसी प्रकार से राजा का चयन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें अपन इस राजनीति विज्ञान के तहत करते हैं। जैसे कि अपन मानते हैं कि जैसे शासन व्यवस्थाओं का स्वरूप है, यहाँ पर शासन व्यवस्थाओं की जाती है, जैसे कि शासन व्यवस्था कैसी होती है, जैसे अध्यक्षात्मक होती हो या संसदात्मक होती हो, तो ये सारी चीज़ें निकल कर एकात्मक शासन हो, संघात्मक शासन हो, ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, तो ये इतिहास की घटनाओं से ही इन्होंने सीखा है और राजनीति विज्ञान ने उसे एक क्रमबद्ध रूप प्रदान कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास के अभाव में राजनीति विज्ञान का उल्लेख नहीं किया जा सकता। सामान्यतः इतिहास की अगर ये घटनाएँ नहीं हैं तो इसके अभाव में अपन राजनीति विज्ञान के पूरे उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब इसके बाद देखिए आप कि राजनीति विज्ञान एवं इतिहास एक दूसरे के पूरक हैं। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि दोनों ने, राजनीति विज्ञान ने भी इतिहास को कुछ दिया है और इतिहास ने भी राजनीति विज्ञान को दिया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री इतिहास के अभाव में संभव नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध रूप प्रदान करने में राजनीति विज्ञान की विशेष महत्वपूर्ण देन मानी जाती है, क्योंकि राजनीति विज्ञान यदि इस अध्ययन सामग्री को क्रमबद्ध रूप प्रदान नहीं करता तो ना तो शासन व्यवस्थाओं का स्वरूप प्राप्त होता, ना ही हमें राज्य के बारे में मालूम पड़ती, ना ही हमें पड़ोसी संबंधों से किस प्रकार से करने हैं उसे लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और इतिहास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक प्रकार से इतिहास के धरातल पर टिका हुआ वह पेड़ है जो पूर्ण रूप से वर्तमान स्वरूप को इंगित करता है, या अपन ये कह सकते हैं कि इतिहास एक प्रकार से धरातल का कार्य करती है और एक प्रकार से राजनीति विज्ञान उस पर खड़े हुए भवन की तरह कार्य करती है। अपन ये कह सकते हैं कि इतिहास के अभाव में राजनीतिक घटनाओं को अपन क्रमबद्ध रूप प्रदान नहीं कर सकते और राजनीति विज्ञान के अभाव में ऐतिहासिक घटनाओं को अपन निर्दिष्ट नहीं कर सकते या उसे क्रमबद्ध रूप प्रदान नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखिए आपको बताएंगे हम कि राजनीति विज्ञान और भूगोल के साथ में क्या संबंध है। इस वीडियो में बस इतना, धन्यवाद।